खबर शिवपुरी के जिला चिकित्सालय से है। यहाँ आपको बता दें कि ग्राम देहद का रहने वाला युवक जिसे श्वास और शुगर की बीमारी थी, उसकी हालत बिगड़ गई तो युवक को पौरी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया और 3 घंटे बाद एम्बुलेंस मिलने की जब डॉक्टरों ने बात कही तो मरीज की हालत इस वक्त तक काफी बिगड़ गई थी। परिजन उसे लोड इन वाहन में भरकर दोपहर में लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। जानकारी के अनुसार मनोज आदिवासी पुत्र सीताराम आदिवासी उम्र 22 साल निवासी ग्राम देहद थाना छर्च को शुगर और श्वास की बीमारी थी। बीमारी के चलते युवक कल से बीमार हो गया था और जब परिजन उसको स्वास्थ्य केंद्र पौरी लेकर गए तो वहां से उसको जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया, पर वहां कोई भी एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। डॉक्टरों का कहना था कि 3 घंटे बाद एम्बुलेंस आएगी। वहीं परिजन 1500 रुपए में लोडिंग गाड़ी कर धूप में कट्टों का टप्पर लगाकर उसको जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जिसके कारण उसकी और ज्यादा हालत बिगड़ गई। इसके बाद उसका जिला चिकित्सालय में उपचार जारी कर दिया है। पूरे घटनाक्रम में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बदहाल नजर आ रही है। क्या नाम है आपको? मेरा सीताराम। सीताराम जी, कौन है ये आपके? मेरा ये बच्चा है। क्या हुआ इसको? इसको शुगर की बीमारी थी। क्या दिक्कत आ रही थी आज आपको? ये चलो बाबा बारात में जाना, मीठा सीटो खा ला। अब एक बोतल सी अधिक मीठी लगता है वो पी रही। अब वैसे ही वो घंटा के बाद बाबा पेट में दर्द था, पेट में दर्द था, सही इलाज फिलहाल करा तो कछू नहीं, और फिर इलाज डॉक्टर ने नहीं किया, प्राइवेट ने सिर्फ घर ले पहुँचे। और घर में वो पैसा नहीं है तब ना रात में खाए ला। फिर सरकारी में ले गए थे? फिर आज सरकारी में लाए। ठीक है, सरकारी बारे में कही कि भाई बस तुम्हें बांध करके और तुम्हें ले जाओ। कहाँ ले जाओ? सीपरी। सीपरी। अब हमारे पैसा नहीं है, बड़ी मुश्किल से ला पाया। तो ऐसी धूप में मतलब आप टप्पर तान के लाए, क्या दिक्कत आई थी आपको? दिक्कत तो बहुत आई है कि पूरे तप गए, मोड़ा घबरा मारो। तो वहाँ पर डॉक्टर ने क्या कही थी एम्बुलेंस की? डॉक्टर ने कही कि एम्बुलेंस आई 2-3 घंटा बाद। अपना वाहन करके ले जाओ।